हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास थ्री का चैप्टर नंबर वन इंग्लिश में क्या है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसका ये होता है जल की छोटी बूंदे। इसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हमने किया है, आप लोग इसका वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में राइट कर ले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आप लोगों ने ले लिया होगा स्ट्रिंग। इंग्लिश में सबसे पहला चैप्टर में पोयम है, पोयम है हम लोग का पहला चैप्टर इंग्लिश में, जिसका नाम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि जल की छोटी छोटी बूंदे। इसमें आप लोग का लिखा हुआ है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में आप लोग का लिखा हुआ है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल ग्रेन्स ऑफ लैंड। Make the mighty ocean and the pleasant land। उसके बाद नीचे दिया हुआ है लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। Make this earth an Eden like the heaven above। आप लोग का पोयम में दिया हुआ है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि जल की छोटी छोटी बूंदे, ठीक है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के छोटे छोटे लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि बालू के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन, शक्तिशाली महासागर बनाओ, यानी कि बोल रहा है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जल की छोटी छोटी बूंदे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, बालू के छोटे छोटे कण। मेक द माइटी ओशियन, यानी कि जल के छोटे छोटे बूंद जो होते हैं
और बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं ये सब एक विशाल महासागर बनाते हैं। एंड द प्रेजेंट सॉल्ट एंड द प्रेजेंट लैंड और भूमि को बहुत सुंदर बनाते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता के छोटे कार, दयालुता के छोटे कार, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव यानी कि प्यार के छोटे छोटे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, मेक दिस अर्थ एज ईडन यानी कि इस पृथ्वी के एक धार बनाते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डॉट की जगह यहाँ पे लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस इसका मतलब होता है दयालुता के छोटे छोटे कार्य, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव प्यार के छोटे छोटे शब्द मिलकर क्या बनाता है, मेक दिस अर्थ एन आइडल यानी कि हमारे हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं उसे धार यानी कि नुकीला बनाता है, तेज लाइक द हेवन अबव यानी कि एकदम से स्वर्ग की तरह। बस आप लोगों को इस पोयम में इतना ही पढ़ना था, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क डू मेक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा, टिक द करेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, और क्वेश्चन आंसर अपने बुक में ही समझा दिए हैं, इसको अच्छी तरह से समझकर क्वेश्चन आंसर इसका करना है और इस पोयम को लर्न कर लीजिएगा। आज का इस कविता को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।